हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्री कृष्णा राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज मैं किस टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ, बाई टाइटल या थंबनेल लेके आप लोगों को पता चल गया होगा। उससे पहले बता दूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोग को भी इस टाइप के वीडियो ब्लॉग देख के और आसानी हो इस टाइप की रेसिपी बनाने में। तो दोस्तों, अगर आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि मैंने इस रेसिपी को कैसे बनाया है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए मैं फटाफट से बताती हूँ आप लोग। तो दोस्तों, सबसे आसान और सरल तरीका है झटपट नाश्ता तैयार करने की। मेरे हिसाब से ये चीज़ें सुबह में सही नहीं रहेगा, शाम के नाश्ता के लिए ही सही है, क्योंकि सुबह में जो है हेवी नाश्ता करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने मनपसंद जो भी सब्ज़ी आपके किचन में अवेलेबल हो आप कट करके डाल सकते हैं। जैसे हमारे किचन में टमाटर, प्याज, शिमला मिर्ची, हरी मिर्ची सब कुछ था। इसमें हमने कच्चा बादाम भी ऐड करी है जो अच्छे से भून गया। इसमें हल्दी और मसाले, जो भी गोलकी पाउडर, ये सब चीज़ें जो है जिससे चोखा जो है टेस्टी हो जाए। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग आलू बॉयल करके उसको गर्मा गर्म ही क्या मसाले दे, वरना क्या होता है ठंडा हो जाता है ना, तो मसाले में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ भून लिया है, और इसमें मुझे लगा कि बादाम थोड़ा कम दिख रहा है तो मैं इसमें ऊपर से ऐड कर दी, जो दिखने में अच्छा लगे, देखने में सॉरी। और यहाँ फैमिली ब्रांड का एक पैकेट ब्रेड ले लिया है हमें। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ले लीजिए, और आराम से आपको 20 या 22 के अंडर में आ जाते हैं एक पैकेट, और झटपट नाश्ता तैयार हो जाता है। कोई घबराहट नहीं रहती है कि शाम में नाश्ता क्या बनाऊँ क्या नहीं। तो ये झटपट वाला चीज़ है, आलू बॉयल करो, चोखा बनाओ, और ब्रेड सेक दो से रिफाइन या घी लगा के, तो हमारे यहाँ देसी घी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रहता है, तो हम लोग पूड़ी या ब्रेड उसी में लगा के खाते हैं। तो देख सकते हैं ऐसे ब्रेड को सेक के उस पर चोखा लगा के ऊपर से एक और ब्रेड लेके चिपका दीजिए। आप इसको चाहो तो डिज़ाइन भी बना सकते हो कट करके, पर हाँ आसानी रहती है कट करो, ऐसे भी तो खाना ही है हम देसी स्टाइल, और देसी लोग यही जुगाड़ लगाते हैं। तो देख सकते हैं हमारा ब्रेड जो है तैयार हो चुका है, और इस पर सबसे मज़ेदार जो है केचप डाल दीजिए, टोमेटो केचप या ग्रीन सॉस भी डाल के खाइए, जो बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगता है। और गर्मा गर्म परोसिए, ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सबसे सरल और सस्ता नाश्ता तैयार, और इतने कम समय में फटाफट से तैयार हो गया, गर्मा गर्म हमने परोस दिया है। तो सबसे पहले आप लोग हमारी जितने भी यूट्यूब फैमिली है टेस्ट करिए, और टेस्ट करके छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि मेरे हाथों की रेसिपी कैसी लगी, और एक बार बना के भी टेस्ट करिए। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।